ठीक है, JVM की हम लोग पूरी स्टोरी हम लोग सुने थे कल, ठीक है, समझ गए थे JVM क्या होता है? समझ में आया था कि नहीं आया था? आ गया था? ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो पहले से, वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैं रिव्यू करा रहा हूँ इसको बस, है ना? ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स तो पता है क्या होता है। वेरिएबल इज़ ए कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? कहाँ पे स्टोर होती है वैल्यू, कौन से मेमोरी में? कौन से मेमोरी में स्टोर होती है? फंडामेंटल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कितने टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में? क्या तुम लोग यार थर्ड ईयर पहुंच गए हो, इसीलिए ना देख के वाला एग्जाम नहीं होना चाहिए, पता कुछ पता ही नहीं रहता तुम लोग को। क्या होता है बताओ? हाँ, तो वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है कि नहीं होती है? होती है ना, तो वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होती है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सी पढ़ लियो, सी प्लस प्लस पढ़ लियो, शेल प्रोग्रामिंग पढ़ लियो, ठीक है, विजुअल बेसिक पढ़ लियो, अब तो इतना तो पता रहना चाहिए कहाँ पे होती है। मैं एक एक सब पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक एक एक जन नहीं बता देगा। हनी बताओ, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। श्रेया, श्रेया बताओ, श्रेया है ऑनलाइन? जब क्वेश्चन पूछते हैं तो गायब हो जाते हैं, ठीक है। विजेता, विजेता है ऑनलाइन? हाँ बताओ, वेरिएबल्स पे जो वैल्यू स्टोर होती है वो कौन से मेमोरी में स्टोर होती है? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तीन टाइप की मेमोरी होती है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, कौन कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक कौन सी होती है? कैश मेमोरी या बफर्ड मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, रैम जो हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में वो जाके स्टोर होती है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, वहाँ पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये देखो, वेरिएबल नेम, वेरिएबल इज़ ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। थ्री टाइप के वेरिएबल हमारे जावा में होते हैं, कौन कौन से? लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक, तीन टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वेरिएबल, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी एंड एबल, दैट मीन्स द वैल्यू कैन बी चेंज्ड, ठीक है। वेरिएबल पे हम लोग जो भी वैल्यू को स्टोर कर सक करते हैं वो वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, ठीक है। आगे हम लोग मैनिपुलेशन करके, कुछ कैलकुलेशन करके, उसके अंदर कोई भी टाइप की मेमोरी, वो तो मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, आया समझ में? ठीक है, वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे ये रैम है, ठीक है, रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर हम लोग एक वेरिएबल के लिए स्पेस अलोकेट कर दिए, ठीक है,
उस स्पेस पे उसी वेरिएबल की वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये रिजर्व एरिया है इसके लिए। क्या है? रिजर्व एरिया है। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। इंट डेटा इक्वल टू 50, इस टाइप से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ये क्योंकि पढ़ चुके हो, मैं दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी जगह सेम होती है। ठीक है, सी सी प्लस प्लस जावा कहीं पे भी देखोगे सब जगह सेम होगा, है ना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, लोकल ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, जो हम लोग बॉडी पे यूज़ करते हैं, किसके बॉडी पे? मेथड की बॉडी पे। मेथड की बॉडी पे कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि मान लो ये एक मेथड है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड एड। ठीक है, इस टाइप का मैंने मेथड बनाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? इंट ए कॉमा बी। ठीक है, ये मेथड के अंदर में, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल लोकल वेरिएबल होगा इस मेथड ऐड के लिए। क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा इस मेथड ऐड के लिए। मतलब इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा? सिर्फ और सिर्फ इस ऐड के अंदर में ही होगा। आया समझ में? मतलब ये ऐड के बॉडी के अंदर में है, मतलब ये लोकल है किसके लिए? मेथड ऐड के लिए। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग? लोकल वेरिएबल। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, अब देखो, ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विथ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ में कभी भी लोकल वेरिएबल को नहीं लिया जाता है। ठीक है, कभी भी हम लोग लोकल वेरिएबल पे स्टैटिक अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड मतलब क्या होता है पता है क्या? हाँ, जब भी क्लास लोड होगा, ठीक है, सबसे पहले वो स्टैटिक को ही खोजेगा। ठीक है, और सबसे पहले मेमोरी स्टैटिक मेंबर को अलोकेट कर देगा। क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक किस किस में लग सकता है? मेथड में लग सकता है, वेरिएबल पे लग सकता है और क्लास पे भी लग सकता है। तीनों में लग सकता है जावा में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास इसमें बना लेते हैं। क्लास में बना रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, ये स्कोप है इसका। ठीक है, ये मेथड इसके अंदर में है। ठीक है, अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग उसको बोलेंगे जो हमारा डेटा मेंबर है। ठीक है, डेटा मेंबर्स मीन्स क्या होगा? ये मेथड तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे वेरिएबल जो है। ठीक है, जैसे आप लोग लिख रहे हैं, हम लोग इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर। ठीक है, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल होगा। क्लास के अंदर में है, ये क्लास के अंदर में है लेकिन इस मेथड के बाहर में है। ठीक है, जो क्लास का वेरिएबल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। आया समझ में? ठीक है, क्लास का जो वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे इसको? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग इस ए बी सी के क्रिएट करेंगे, सभी के सभी में इसका इंस्टेंस बनेगा। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे,
इस वेरिएबल के उतने इंस्टेंस बनते जाएंगे, मतलब एक क्लास वेरिएबल जो है उसका इंस्टेंस क्रिएट होते जाएगा, आया समझ में? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब थर्ड टाइप का वेरिएबल जो है, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो नोटपैड में बना रहा हूँ मैं, अच्छा सिर्फ वर्ड वाला दिख रहा है क्या? ये देखो इस टाइप का पहले बोलना था ना। ठीक है ठीक है, यहाँ पे जो मैं इन ट्रोल नंबर लिखा हूँ, नहीं, मैं अरे मैं वो वाला सिर्फ वर्ड को शेयर कर दिया था, तो ठीक है यहाँ पे मैंने क्लास एबीसी बनाया है, ठीक है उसके अंदर इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम बना दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लास का वेरिएबल है, मतलब क्लास का डेटा मेंबर है, यही इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, ये क्लास के अंदर में है बट इस मेथड के बाहर में है। ठीक है, ये पूरा क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर में क्या है, ये डेटा मेंबर है और ये उसका मेथड है, मेथड के बाहर और क्लास के अंदर, मतलब ये क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें अपन समझ रहे हैं, क्लियर? ठीक है, थर्ड आता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी लोकल। ठीक है, कोई भी लोकल मेमोरी सॉरी लोकल वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक नहीं बना सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी लोकल, कोई भी लोकल वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं अभी 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 थोड़ी देर पहले, ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विथ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, कोई भी लोकल वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक नहीं बना सकते। ठीक है, यू कैन क्रिएट ए सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। अगर हम लोग किसी क्लास में एक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, अगर उसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ, ठीक है, तो वो जितने क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे, मतलब उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब में वो कॉमन होगा। ठीक है, सब में वो शेयर होगा और उसकी वैल्यू जो है वो सेम होगी। ठीक है, अब कैसे, ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक में देता हूँ क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंटेक्स पूरा पूरा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अच्छे से, है ना। यहाँ पे मैं देता हूँ BCA3, क्लियर है, BCA3 में दे दिया। ठीक है, तो जो स्टैटिक मेंबर होता है हम लोग उसको यहीं पे इनिशलाइज कर सकते हैं, आया समझ में? ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, स्टैटिक मेंबर कैसे इनिशलाइज होता है, कहाँ कहाँ पे लगता है, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बना दिया, क्लास नेम बना दिया, उसको स्टैटिक बनाया हूँ मैं, क्या बनाया हूँ, स्टैटिक, क्लियर। स्टैटिक बनाने से क्या हो गया कि एक तो सबसे पहले मेमोरीज को मिलेगी, दूसरी चीज, ठीक है, इसकी कॉपी जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे इस क्लास ए बी सी के, ठीक है, उतनी कॉपी बनते जाएंगे और सब में वैल्यू उसका सेम रहेगा, सब में वैल्यू उसका सेम रहेगा, क्लियर, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक वैल्यू इसको मिल जाएगी, अगर हम लोग डिक्लेयर यहाँ पे इनिशलाइज करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में उसको कॉपी रहेगा, जो भी वैल्यू उसमें होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू होगी, क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो तीन टाइप के वेरिएबल हम लोग देखे, लोकल वेरिएबल ये होता है लोकल किसी भी मेथड के लिए, ठीक है, सेकंड होता है इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर में होता है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ, जैसे इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल होगा, ये भी तो वेरिएबल है, ये किस टाइप का वेरिएबल होगा,
बताओ, ये भी लोकल वेरिएबल ही होगा। मतलब कोई भी मेथड के अंदर, ठीक है, कोई भी मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे सारे लोकल वेरिएबल होंगे, भले वो पैरामीटर में हो या इनसाइड हम लोग इस टाइप से बनाए हो। कोई भी वेरिएबल हो वो कैसा वेरिएबल होगा? लोकल वेरिएबल होगा। क्लास के अंदर जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का वेरिएबल होगा? इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, क्लास के ही अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल जो है हम लोग मेथड के अंदर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि ये मेथड जो है, सॉरी, ये स्टेटमेंट जो है मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल मेथड के अंदर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी इसको हम लोग बाहर ही रहने देते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये हुआ, थ्री टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है वेरिएबल सबको पता है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी आता होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं भी सीख पाए होंगे, तो अभी सीख जाओगे। ठीक है, आया समझ में? वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इनिशलाइज होता है। ठीक है, अब उतना तो पता है ना सबको कि नहीं पता है। देखो, चलो, नहीं भी पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास है हमारे पास सिंपल, सिंपल नाम का एक क्लास लिया हूँ। ठीक है, उसके अंदर हम लोग लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट हम लोग इधर भी ले सकते हैं या फिर आर्गुमेंट के साथ में भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10 में ले लिया। ठीक है, बी इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, दोनों को मैंने एक साथ इनिशलाइज कर दिया, क्योंकि ये क्या है, अभी लोकल वेरिएबल है किसके लिए? मेन मेथड के लिए। कि किस टाइप का वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। आया समझ में? मेन मेथड है, मेन मेथड पता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो, मेन मेथड का ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल है ए और बी। ए को इनिशियलाइज कर दिए 10 से, बी को इनिशियलाइज कर दिए 20, सॉरी 10 से। ठीक है, इंट सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके हम लोग किस में स्टोर कर दे रहे हैं? सी में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्रिंट करें इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं सी। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, 10 + 10 इक्वल टू 20। तो आउटपुट में क्या आ रहा है हम लोग को? 20 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो इसको बना के देखते हैं। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। मैं ओपन कर रहा हूँ नोट पैड प्लस प्लस। इसको जितने भी प्रोग्राम्स में बताऊँगा डेली प्रैक्टिस करना है आप लोग को। ठीक है, अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्लास एडिशन। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। ठीक है, और कैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, माइक बंद कर लो अपना। ठीक है, मैंने क्लास बनाया एडिशन, क्लियर है? अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मेन फंक्शन, मेन मेथड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली मेन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग args, और यहाँ पे एरे का ब्रैकेट लगा दे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए। ठीक है, इंट बी। ठीक है, और एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट सी। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसको यहीं पे इनिशियलाइज करता हूँ। ए इक्वल टू 10 देता हूँ, बी इक्वल टू 10 दे देता हूँ। ठीक है, इंट सी इक्वल टू मैं कर देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, एडिशन को यहाँ से कॉपी करूँगा और सेव कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, सेव कैसे करते हैं पता है ना?
एडिशन डॉट जावा, कैसे सेव करते हैं, एक्सटेंशन क्या रहता है इसका, जावा रहता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, अगर नहीं देख पा रहे हो तो दिख रहा है यहाँ पे, एडिशन डॉट जावा, क्लियर है। और मैं यहाँ सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, कलर वलर चेंज हो गया है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, फाइल इसकी बन चुकी है, जावा BCA3, ये देखो यहाँ पे दिख गया, एडिशन डॉट जावा। अभी मैं इसको कंपाइल नहीं किया हूँ, जैसे ही कंपाइल करूँगा तो एडिशन डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो मैं चलता हूँ कमांड पे, CMD कमांड पे चलता हूँ मैं, और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन, और यहाँ पे लिखेंगे CD बैक स्लैश। ठीक है, मैं ई ड्राइव पे चले जाऊँगा। ठीक है, तुम लोग जहाँ पे सेव करोगे वहाँ पे राइट क्लिक करके शिफ्ट राइट क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा सी, सॉरी CD जावा BCA3, उस फोल्डर पे चले गए हम लोग, यहाँ लिखेंगे जावा सी और एडिशन, ठीक है, डॉट जावा। ठीक है, एडिशन डॉट जावा हम लोग कर लिए। ठीक है, इसको कंपाइल कर लेंगे हम लोग, कंपाइल हो गया। ठीक है, क्लियर, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे प्रोग्राम में हम लोग आउटपुट के लिए तो कुछ दिए ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एडिशन इज, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, एड यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखे हम लोग एडिशन इज, कोलन लगाया और यहाँ प्लस सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो भी पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर में, ये सारा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग वैल्यू की को ही हम लोग यहाँ पास करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले स्ट्रिंग ऐड कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट सी लिखता तो भी उसको प्रिंट कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग के साथ में प्रिंट कर रहे हैं। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है, पता है सबको, एडिशन इज, इस टाइप का हमें स्ट्रिंग लिखा। स्ट्रिंग के साथ में हम लोग क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग्स का जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे परसेंट डी परसेंट वो सब कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट डाट का हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको, और हम लोग वापस इसमें चलते हैं और फिर से कंपाइल करेंगे। जितने बार कोड में चेंजेस करोगे उतने बार कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रन कर दें। ठीक है, जितने बार भी हम लोग कोड में चेंजेस करेंगे उतने बार हम लोग कंपाइल करेंगे, तभी लोड ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार वो नया क्लास फाइल बनाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जावा एडिशन। ठीक है, क्योंकि वही हमारा क्लास नेम है। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को एडिशन इज 20, दिखा। नहीं, ये क्लास का नेम है, यहाँ पे फाइल को कंपाइल किए। देखो याद रखना, कंपाइल हमेशा फाइल को करेंगे, किसको कंपाइल करेंगे, फाइल को कंपाइल करेंगे। ये एडिशन डॉट जावा हम लोग जो लिखे हैं वो क्या है, फाइल नेम है। ठीक है, विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पे देख लो, एडिशन डॉट जावा, यही फाइल नेम हम लोग सेव किए थे। जैसे ही हम लोग कंपाइल किए उसके बाद एडिशन डॉट क्लास फाइल बना दिया, और रन किसको करेंगे हम लोग, ये एडिशन डॉट क्लास फाइल को रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडिशन डॉट क्लास फाइल को रन कर रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाव एडिशन डॉट जावा, अगर मैं फाइल को रन करता हूँ तो रन नहीं होगा, एरर दिखाएगा, अभी देखना ऐसा कैसा हो गया यार, अपडेट किए कहीं लो, यही होता है। ठीक है, वैसे रन नहीं होगा, अगर तुम लोग रन करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, है ना, शायद यहाँ पे अपडेट्स वगैरह कुछ किए होंगे तभी हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता, लेकिन सिंटेक्स यही है इसका। ठीक है, आज तक इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक तो कभी रन नहीं हुआ, आज कैसे रन हो गया। ठीक है चलो, रन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, विंडोज 7 वगैरह यूज़ करोगे या जावा 7 यूज़ करोगे तो नहीं होता है रन। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स ही वो है ना, जावा सी ये वाला, ठीक है, जावा सी एडिशन डॉट जावा ये कंपाइल के लिए है, और जावा एडिशन जो है वो रन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा भी रन हो रहा है, ऐसा भी रन हो रहा है, ठीक है, दोनों रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट इसको पकड़ के चलना, ठीक है, क्योंकि क्लास को रन करना पड़ता है हम लोग को, आया समझ में। ठीक है, अब देखो इसके पहले मैं डिस्प्ले बनाया था, ठीक है, अभी मैं कंपाइल वम्पाइल कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्ले नाम का क्लास फाइल मेरे पास है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जावा डिस्प्ले, ठीक है, ये देखो रन हो गया, कंपाइल नहीं किया मैं, फाइल को कंपाइल नहीं किया, पहले से क्लास फाइल है, क्लास फाइल रन हो गई है, आया समझ में। ठीक है, ये वाली फाइल, ये वाली क्लास फाइल, अगर मैं मान लो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैं, जावा फाइल जो थी हमारी डिस्प्ले डॉट जावा, और डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं वापस से इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब फाइल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या किया मैं यहाँ पे, देखो जावा डिस्प्ले, ठीक है, तो भी रन होगा, हुआ, आया समझ में। तो किसको रन कर रहे हैं हम लोग, क्लास फाइल को रन कर रहे हैं, आया समझ में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी डिस्प्ले डॉट जावा, अब देखना क्या बता रहा है, फाइल नॉट फाउंड डिस्प्ले डॉट जावा, ठीक है, सोर्स फाइल ही मैंने उड़ा दिया वहाँ से, तो नहीं होगा। तो हम लोग जब क्लास फाइल हमारे पास रहेगी तो उस क्लास फाइल को हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ये क्लास फाइल है, इसको लाइनेक्स में ले जाओ, कॉपी कर दो, लाइनेक्स में भी रन हो जाएगा ये, उसको डॉट जावा फाइल से कोई मतलब नहीं है, क्लास फाइल ही जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए, जो हम लोग बोलते हैं ना जावा इज ए प्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो रन क्या होता है, क्लास फाइल ही रन होती है, ठीक है, ये क्लास फाइल जो होती है वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है इसको, आया समझ में। अगर विश्वास नहीं होता तो इसको कॉपी करना पेन ड्राइव में, ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है दुनिया में सब में रन करके देखना, 100% रन होगा ये। ठीक है, आया समझ में। अरे आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी वेरिएबल्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है, जो कि हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं।